जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राजकीय कॉलेज में एनसीसी के कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोविड 19 में सेवाएं देने वाले 86 कैडेट्स को ये सम्मान दिया गया। सेवाएं देने वाले 86 कैडेट्स में 60 गर्ल्स कैडेट्स और 26 बॉयज कैडेट्स हैं। सम्मानित किए गए एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटी कोविड 19 के दौरान लगी थी। कोविड 19 की शुरुआत में बाजारों में लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, बिना वजह घरों से बाहर न निकलने बारे जागरूक करने के लिए जिला भर में एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटियां लगाई गई थी। यही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिगत इन कैडेट्स का 50 लाख का बीमा भी करवाया गया था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इन कैडेट्स को ड्यूटी के दौरान 168 रुपए रिफ्रेशमेंट हेतु देने का निर्णय लिया गया था। उनकी सेवाओं की एव्स में जो राशि बनती थी वो भी उन्हें दी गई है। इन कैडेट्स ने कोविड 19 की शुरुआत में समाज को कोविड से बचाव हेतु जागरूक करने में सेवाएं देकर एक मिसाल कायम की है। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश शर्मा के अतिरिक्त एनसीसी अधिकारी भी मौजूद रहे। 5HP इंडिपेंडेंट कंपनी धर्मशाला के कमांडिंग ऑफिसर DKS चौहान ने कहा कि कोविड 19 के दौरान सेवाएं देने वाले एनसीसी कैडेट्स कोविड वॉरियर्स हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है। कोविड 19 की शुरुआत में लोगों को कोविड से बचाव हेतु जागरूक करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते जिला प्रशासन और कॉलेज के सहयोग से इन कैडेट्स को सम्मानित किया गया है। सेवाएं देने के दौरान प्रति कैडेट 168 रुपए रिफ्रेशमेंट के तौर पर दिए जाना था, वो राशि भी इन्हें दी गई है। सही मायनों में इन कैडेट्स ने कोविड 19 में बेहतर कार्य करके मिसाल कायम की है। आज हमने बच्चों को, उन बच्चों को, उन कैडेट्स को जो एनसीसी में हैं, जिन्होंने कोविड 19 में ड्यूटीज़ दी थी, एंड एट द पीक ऑफ द ड्यूटीज़ सिचुएशन आप सबको मालूम है कि कैसी थी, कैसी लोगों के मानसिकता पर असर डालने वाली थी, चाहे ज़मीन पर कैसी भी रही हों, तो उन बच्चों ने बढ़ चढ़कर और आगे आकर वॉलंटियर किया और अपने आप को सेवा के लिए और समर्पण के लिए देश के सामने प्रस्तुत किया। दीज आर कोविड वॉरियर्स, दीज आर पीपल हु हैव दी गो इन देम, जिनमें जज्बा है कि हमने देश के लिए, समाज के लिए और अपनी सोसाइटी, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए कुछ करके दिखाना है। और इसको हमने एक्नॉलेज करने के लिए और इनको इनक्रेज करने के लिए इनका शुरू में फॉर सेफ्टी पर्पसेस 50 लाख का एक बीमा हुआ था कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो 50 लाख का एक बीमा हुआ था, जनरल इंश्योरेंस, जिस जो भगवान की दया से या ऊपर वाले की कृपा से जिसकी हमें ज़रूरत ना पड़ी। पर टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट एंड टू रिवॉर्ड देम, ऑल दीज कैडेट्स हैव बीन गिवन सम मनी पर डे बेसिस, 168 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए गए हैं फॉर इनके आने जाने का। वैसे ही ये लोग डिप्लॉयड अपने घरों के आसपास थे, पर इनके रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए, जो कि पहले हम वैसे ऑन ग्राउंड देते भी थे, पर फिर भी बाद में इन्हें 168 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिए गए हैं। और उस 168 के हिसाब से हर एक को दे देने के बाद मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने इस बात के लिए DC साहब से अप्रोच किया, जो इस समय शायद ADC की ड्यूटी कर हैं, जो DC की ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे बात करी, और कि भाई बच्चों को एक सर्टिफिकेट एज अ मैटर ऑफ रिकग्निशन, जिसका इनके पास रिकॉर्ड हो, वो 168 रुपये प्रतिदिन वाला है तो वो तो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो एक सर्टिफिकेट्स ऑर्गेनाइज कराए, उनसे बात करी, उनसे मिलाप करके एंड वो सर्टिफिकेट बनवाए, जिससे कि बच्चों के पास एक उम्र भर के लिए एक पहचान, एक जान, एक शो के लिए, एक अपनी समझदारी और अपनी हिम्मत दिखाने के लिए, जिस जो इनको आगे भी प्रेरित करता रहे। दिस वॉज डन एंड दिस वॉज आई डिड नॉट हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन टुडे। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं एंड इनके मदद से और इनकी हेल्प से, इनके कोऑपरेशन से हम ये आज का दिन कर पाए और बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा करके हम लोगों ने इनको वो सर्टिफिकेट्स दिए। अरे 86 बच्चे लगे थे जी, अराउंड 60 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, 26 बॉयज़।